आज हम यहाँ पर जो जौ गांव है, जहाँ पर श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ, आज उनका जन्मदिन है और ये सौभाग्य है हमारा कि इस धरती ने, टिहरी की धरती ने बहुत से महापुरुषों को जन्म दिया। गंगा और यमुना को जन्म दिया, जो 60 करोड़ लोगों को जो है वो जीवन देने का काम कर रही है। और गंगा का तो एक बूंद अगर जल मिल जाए तो लोग ये समझते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। उसी धरती में श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ। श्रीदेव सुमन जी का ही नहीं, वीर गब्बर सिंह जी से लेकर के सुंदरलाल बहुना जी, जो अभी जिनका स्वर्गवास हुआ है, और इंद्रमणि बड़ूनी जी, जिनकी वजह से राज्य बना है आज, जिनकी वजह से कई चीफ मिनिस्टर, कई चीफ सेक्रेटरी, जज, कई चीजें बन गए हैं, मंत्री बन गए, विधायक बन गए, इसका श्रेय अगर जाता है तो श्रीदेव सुमन जी को जाता है। वो मानवतावादी थे और उस समय पढ़े लिखे व्यक्तियों में अगर उस समय चाहते तो बहुत सुखी जीवन जी सकते थे। उस समय की सत्ता उनको जिलाधिकारी भी बना देती, कुछ भी बना देती, लेकिन उन्होंने जब देखा, यहां की जनता की पीड़ा देखी, तो उसके लिए संघर्ष किया और आज उनका जन्म हुआ इस धरती में, जौल में। हम यहां पर उनके सिर चरणों में नमन करने के लिए आए हैं और उन्होंने जो रास्ता बताया कि हमको आम आदमी की दुख तकलीफों के लिए संघर्ष करना चाहिए, तब चाहे सामने कितनी बड़ी कठिनाइयां हो, कितना ही बड़ा पहाड़ हो, और उसके लिए अगर संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। हमने ये भी विचार रखा है और अभी भी है कि जो ये टिहरी बांध की झील है उसका नाम श्रीदेव सुमन जी के नाम पर श्रीदेव सुमन सागर रखना चाहिए। जब यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उन्हीं के चरणों पर चलते हुए मैंने 15 दिन का उपवास किया था, और तब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय तत्कालीन सरकार ने यहां दिया था, लेकिन दुख का विषय यह है कि वो पूरी तरह से विश्वविद्यालय को स्थापित हम यहां पर नहीं कर पाए, बल्कि पिछली बार मैंने कहा था कि उसका परिसर यहां बनना चाहिए। यहां